कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 15.2 अध्याय 15 समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं के समीकरण वह बराबरी से 2x+1 वह बराबरी से 3x+1 एवं x बराबरी से 4 है। माना मान ले रहे हम यहाँ कि त्रिभुज ABC है। माना त्रिभुज ABC में जो भुजा AB है, ये AB इसका जो समीकरण है वो y बराबर से 2x+1। माना इसमें इसका जो समीकरण है वो क्या है, y बराबर से 2x+1। BC भुजा का समीकरण क्या, 3x+1। BC भुजा का समीकरण, BC भुजा का समीकरण वो क्या होगा, वह है बराबरी से 3x+1। ये BC भुजा का समीकरण 3x+1 और AC का समीकरण x बराबरी से 4। भुजा किसका, AC का समीकरण। भुजा AC का समीकरण क्या होगा, x बराबरी से 4। जब इसको हल करेंगे तो ध्यान से देखिए, हल करने पर इनके प्रतिच्छेद बिंदु के हमको निर्देशांक मिलते हैं। हल करने पर इसके प्रतिच्छेद बिंदु के हमको क्या निर्देशांक मिलते हैं। पहला जो प्रतिच्छेदी बिंदु जिसको आपने A नाम दिया है, A के निर्देशांक मिलते हैं हमको कितने, 4.9। B बिंदु के निर्देशांक मिलते हैं क्या, 0.1 तथा C बिंदु के निर्देशांक मिलते 4.13। C बिंदु के निर्देशांक हमको क्या मिलते, 4.13। अब जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज ABC का, जब हम त्रिभुज ABC का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यह क्षेत्रफल होगा, ध्यान से देखिए, OMCBO इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल में से OMABO के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो क्या होगा क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल होगा OMCBO, एक चतुर्भुज की आकृति बन रही है, OMCBO का क्षेत्रफल ऋण किसका, OMABO का क्षेत्रफल। OMABO का क्षेत्र इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, इसके क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ध्यान से देखिए, तो कुल मिला के हमको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए जिसमें कि क्या खींची हमने, लाइनिंग खींची है, केवल इतने भाग का क्षेत्रफल हमको चाहिए, तो इतने भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब क्या समाकलन सीमा 0 to 4 दोनों में ही होगी, 0 to 4 क्या वाई, ये जो वाई है ये रेखा कौन सी, BC का समीकरण है, ये वाई मतलब क्या है, ये रेखा BC का समीकरण, ऋण इंटीग्रेशन 0 to 4 वाई, ये जो दूसरा वाई लिखा है ये रेखा AB या BA का समीकरण, ये है रेखा AB DX। अब हम जानते हैं कि AB रेखा का यदि समीकरण देखें तो हमारे पास में यह है y बराबरी से 2x+1 और BC का है 3x+1।
इन्हें ही लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन 0 to 4 3x+1 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 4 रेखाए भी 2x+1 dx। दोनों को ही देखो तो दोनों में 0 to 4 है और इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं। एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, 0 to 4 3x में से 2x को घटा दो प्लस 1 में से माइनस 1 को घटा दो dx। तो हम जानते यहाँ जो कंडीशन आएगी क्या, 3x में से 2x तो आएगा x, तो ये वैल्यू हमारे को मिलेगी क्या, इंटीग्रेशन 0 to 4 x dx। x का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये आएगा x²/2। सीमा थी 0 to 4, जब 4 रखेंगे 4 × 16, 16 में 2 का भाग देंगे तो ये क्या आएगा, 8। 0 रखने पर 0 आएगा तो 8 वर्ग मात्रक, 8 क्या वर्ग मात्रक हमारे पास इसका क्या जाएगा, उत्तर। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष का धन्यवाद।